जांच का विषय है क्या घटना हुई और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने ये सूचना दी। तो इसी से बात पता चली कि उन्होंने कहा अभी किसी पूछताछ को और उनको भेजते हैं फोरेंसिक, तो वो आकर के टीम भी आई है इसी के साथ वो जांच करके ले गई है। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, परिजन टीम भी इसमें गोली लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से हमारा बहुत नजदीक रहा है बेचारा, उसकी क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे, कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू ही हमें नहीं दिखा रहा। आंसू कल दिल्ली चला गया था, मेरे यहाँ विधायक जी बीमार थी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है अभी फ्लाइट पकड़ करके जो है मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को किया है वो जांच कर रहे हैं, जांच होकर उसको जो सच होगा वो निकल करके आएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। और मैं परिजनों के साथ हूँ। मतलब विनय श्रीवास्तव कब से आपके साथ है? बहुत दिनों से 2019 चुनाव से 2017 के चुनाव से 2017 के चुनाव से